तुझे क्या लगता है, नाज के होते हुए ये हीरे कोई और ले लेगा? कातिया तू, अब सारे हीरे काका को मैं दूंगा। रवि चलो। क्यों रे, तेरे को भागने का, तू भागा क्यों नहीं? छोड़ ना कातिया, तेरे को पता ना इसकी पहली चोरी है, डर गया होगा, है ना? हाँ। चलो, जैसे अंदर आए थे वैसे ही बाहर जाएंगे, उन्हें महल के दरवाजे पर ही हमारा इंतजार करने दो। चलो अब मैं इन्हें कैसे रोकूं? ये लो बेटी, कुछ खा लो, फिर हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। लो खा लो। बाहर की दुनिया के लोग कितने अच्छे होते हैं ना, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब सब पता चल जाएगा। देखो उन्हें हो रहा है, पकड़ो। तुम लोग इधर जाओ, मैं उधर जाता हूं। चलो यहां छुप जाते। अरे क्या कर रहे हो? चलो पकड़ो। अब थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया किस बात का बेटी, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम थोड़ी देर आराम करो, ठीक है? शैतानी जंगल। अलादीन, अलादीन, चलो कातिया हमारा गुलाम बात किस पर इंतजार कर रहा होगा। चलो चलो। कहाँ ढूंढेंगे हम उन्हें जुनेद? बहुत बढ़िया चीज है आपके मेरे पास। देखिए आप परेशान मत होइए, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। तो खुश हो जाओगे, यहीं कहीं होंगी। और इस बार आका के लिए ऐसा बकरा पकड़ा है, आका भी खुश हो जाएंगे देख के। हम
आ गए तुम लोग। और हमने तो सोचा नास्त के साथ तुम भाग गए। और इसको लेके भागना होता ना तो यहाँ नहीं आती। हाँ ये भी ठीक है। वैसे कोशिश अच्छी थी तुम्हारी हीरे चुराने की, पर इस बार मैं जीत गया। अगर नाज ना होती ना तो तुम नहीं जीत पाते। अरे बछड़े तुम काता के मुँह लगोगे? हाँ ए नन्हे को हाथ मत लगा, समझा ना? क्यों, क्या कर लोगे तुम? हाँ क्या कर लोगे? रोको उसे, सारे हीरे उसी पर है। चल तू भाग, चल भाग। रोको भाग, भाग जा तू। था ना बहुत अच्छा बकरा पकड़ा है। और इसके छोटे छोटे हाथ तो देखो, चोरी बड़ी सफाई से कर सकते हैं। चोरी क्या मतलब? मतलब कुछ ही देर में समझ जाओगी। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। लेकिन आपने तो कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। अभी तुम्हें बहुत दुनिया देखना बाकी है, चलो। हाथ लगाएगा? लगा के देख, तेरा हाथ काट दूंगा। घोड़े के सबसे पास तुम ही खड़े थे ना? सच सच बताओ कैसे भागा वो? मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हीं ने किया है। बोलते हो या नहीं? तो क्यों इसके पीछे पड़ा है? तू जानता नहीं घोड़े की फितरत कैसी होती है? और आका की फितरत? वो नहीं जानती तुम? अगर बिना हीरो के वापस गए तो जानती हो ना क्या होगा? हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। हीरे ना सही तो कुछ और ही सही। हीरे की बराबरी करने के लिए हमें बहुत सारे डाके डालने होंगे। हमें बहुत सारे डाके डालने होंगे। हाथ लूटेंगे लेकिन खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। और इस बार हमें मिलकर काम करना होगा ना। तो ठीक है, आगे हमें बहुत सारे घर मिलेंगे डाके डालने के लिए। किस जगह? जानियाबाद। चलो हीरे की बराबरी करने के लिए हमें बहुत सारे डाके डालने होंगे। किस जगह? जानियाबाद। जानियाबाद
रुक, डर के क्या भाग रहा है? ये तो शैतानी जंगल है, ये मैं कहाँ आ गया? पता नहीं, चलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। अलादीन, अलादीन भी यहाँ से निकल गया होगा। शहजादी, ये बाहर की दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जितना कि आप समझ रही है। हमें जानियाबाद वापस लौटना चाहिए। फिलहाल तो हमें यहाँ से वापस लौटना चाहिए, सब कुछ बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। चलिए। जादूगर जाफर, अरहान मेरे दोस्त, आपने अपना ये क्या हाल बना लिया है? मैंने नहीं, जोया और जाहिर ने मेरा ये हाल किया है, अलादीन के अप्पू और अम्मी। तो क्या ये सच है कि उनका बेटा जिंदा है? हाँ मेरे दोस्त, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जोया और जाहिर का बेटा अलादीन जिंदा है, और उसे अपने शिकंजे में कसने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जोया और जहीर की वजह से मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शायद तुमने अच्छी तरह से सुना नहीं मैंने क्या कहा। मुझे अलादीन जिंदा चाहिए, जिंदा। एक बार मेरा काम खत्म हो जाए उसके बाद तुम उस लड़के के साथ जो चाहे करना चाहो कर सकते हो। कहाँ मिलेगा ये अलादीन? ये कैसे दो राहे पर ले आए हैं मुझे? अम्मी, अब्बू, ना मैं यहां से भाग सकता हूं और ना ही इनके साथ रह सकता हूं। अगर भाग भी गया तो ये लोग मेरी वजह से किसी बेगुनाह को सजा दे देंगे, और अगर यहां रहा तो ना चाहते हुए भी मैं इनके चोरों की टोली का हिस्सा बन जाऊंगा। अम्मी, अब्बू, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाइए। थोड़ी देर आराम कर दे, फिर निकलते हैं। अलादीन हमें जरूर मिल जाएगा शहजादी, आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा जुनैद। मुझे लगता था कि महल के बाहर एक बहुत खूबसूरत दुनिया है जहाँ सिर्फ अच्छे लोग रहते, लेकिन मैं कितनी गलत निकली। ऐसी बात नहीं है शहजादी, आप अलादीन को देखिए, वो भी तो आपके महल की बाहर वाली दुनिया से है।
नहीं, मैं नहीं भागूंगा। इतना सब होने के बाद तुम कह रहे मैं नहीं भागूंगा? हाँ, क्योंकि इस वक्त अगर मैं यहां से भाग गया तो लोग मुझे चोर ही समझेंगे, और अलादीन चोर नहीं है जुनैद। क्या आपको उस पर भी भरोसा नहीं रहा? तुम ठीक कह रहे हो जुनैद, जहां जियाउल्लाह जैसा आदमी है वहां एक अलादीन भी तो है। चलिए पहले कुछ देर यहाँ आराम कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब चलिए भी। आपको तो बहुत ही बुखार है। अलादीन मिल जाएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे कहते हैं प्यार। प्यार किधर है? प्यार उसे तो बुखार हुआ है। और फिर भी वो सिर्फ अलादीन के बारे में सोच रही है। अरे उसके बारे में तो मैं भी सोच रहा हूँ। तुम अपने फायदे के लिए सोच रहे हो, और शहजादी शहजादी अलादीन की सलामती के लिए सोच रही हैं। एक बार किसी से प्यार हो जाए ना, फिर चाहे उसके लिए जान भी देनी पड़े वो भी कम है। अलादीन मुझे याद है, बाहर निकालो ना तो मुझे पागल कर देगी, मुझे ये पागल कर देगी। तुमने कुछ कहा? चलो कुछ खा लेते। एक जन की वजह से अब हमें जहरनाबाद के कितने सारे घर लूटने पड़ेंगे। काश कोई और रास्ता होता।